नल जल योजना के चलते धोखाधड़ी, योजना के तहत नहीं हो रहा कोई काम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख के जेवर चोरी करने वाले चोरों को किया गिरफ्तार। विकलांग युवक ने परिजनों के खिलाफ किया थाने में शिकायत, ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी ने सुनी विकलांग युवक की फरियाद। पोखरा में मिला युवक का शव, शव मिलते ही इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी, कागजात पूरे ना होने पर नर्सिंग होम का किया गया सील। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम बिहार। तो शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। खबर वैशाली जिले के राजपाकर प्रखंड के मीरपुर पतान पंचायत का है, जहां नल जल योजना को लेकर लूट मची हुई है और नल जल योजना के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं जब इस मामले की शिकायत मुखिया से की जाती है तो उन लोगों की फर्जी मुकदमे में फंस कर जेल भेज दिया जाता है। जो पहले था वो जाने कितना दिन से पड़ा हुआ है, अब तक नहीं चला है, तो कह रहा है हमको चार्ज में अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कहने का मतलब ये दो पंचायत में है, हम लोग का है 5 नंबर, ये है 2 नंबर में, तो इसी से कनेक्शन हम लोग। समस्या तो है जो घर गिर गए, घर रहे के साधन न है, हमारा कोई सामान न मिलल, ना घरे बनल आ ना नले जल के पानी आए, ये सब ना कहे ना आवे इंदिरावास मिला। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पुरेनिया गांव के एक घर में 23 मई की रात चोरी करने के मामले में एक चोर और चोरी के सामान को खरीदने वाले दुकानदार को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एक विकलांग युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और थाने में ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी एएसआई ने युवक की फरियाद सुनने के बाद बिना किसी झिझक के उस युवक के हाथ मुंह पैर धोकर पानी से साफ करके बालों में तेल लगाकर इतना ही नहीं युवक को मिठाई खिलाई और पानी भी पिलाया, उसका इलाज कराया। वहीं विकलांग युवक ने बताया कि पिता के शादी की बात करने पर सदस्यों ने उसे मिलकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद वह अपनी ट्राई साइकिल चलाकर थाने में शिकायत करने पहुंचा। शादी कर रहे हैं, ठीक है, शादी को जातू को चलने के भी महाला बेटा, एक गो महाला बेटा, नाम का लड़का है संदीप कुमार यादव, इसका घर बिनवलिया है, थोड़ा विकलांग है, दवाई का पैसा मंगा के दीजिए, हम दवाई करें, हमारा तबियत खराब रहता है, चलो नहीं दिया, मारा पीटा, फिर बोला कि ब्याह हमको करना है, अब आई लड़की उसी से ब्याह कर लेंगे, दोनों साथ रहेंगे, कमा के खिलाएंगे, तो बोला कि नहीं तुमको शादी करेंगे, आ तुम्हारा बकरा जमीन बड़ा वाला भाई को छोटा वाला बेटा को दे देंगे, आप सब बेच के तुमसे केस लड़ाएंगे। अच्छा, आप इसका खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां क्षेत्र के सरिसवा बाजार स्थित वार्ड नंबर 11 के निवासी अशोक मिश्र के बेटा पोखरा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मझेलिया पुलिस पर घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। दो
दौरी करा के अल कोई फोन कैल वे लड़का हमारे गई लगे एक महीना पहले लोग पैसा के पर्स हेलो भैल बा फिर आज के पता चल आज पोखर में फेकर लोग आके कल के लाश एगो तार आई बार तो दौड़ल गए सर बैठे के पोखर में से लाश लेके आई क्या नाम पड़ी अपने का अशोक मिश्र लगा के कहीं गया हुआ है खबर उबर नहीं किया किसको खबर करते हम लोग सोचे कहीं गया हुआ है थाना है लोग बोल रहा था कि हाँ अगले बगल में कहीं होइन कोई पर पहुँचाई गई हुई खबर बेतिया से है जहां पांचवें दिन भी रामनगर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की जा रही है। इस दौरान नर्सिंग होम से ऑपरेशन किए गए दो मरीजों को पीएचसी लाया गया और जांच के बाद उनको जिला अस्पताल भेजा गया जहां क्लिनिक के सारे कागजात की जाँच की गई और कागजात पूरे न होने की वजह से चिकित्सा प्रभारी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के मौजूदगी में नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। डिलीवरी रहा ले गिया वहाँ ऑपरेशन करा कर सौरव जमाल में अच्छा से भैल अच्छा से बारी हमारे पास बच्चा बीमारी दिनों अच्छा बच आज का भूलो आज भैल जब आज आठ दिन हो गए टका आधा कट कर बाकी रहा छापामारी भैल तब गल तो छापामारी भैल अब वहाँ से उठा के लिए अनिल बेटिया चल एक पूनम अल्ट्रासाउंड दूसरा नर्सिंग होम हमारा नर्सिंग होम है जिसमें जो है सो वहाँ से दो पुराने मरीज ऑपरेशन के मिले हैं दोनों को अपने अस्पताल में लाए हैं और वहाँ कुछ सामानों के जब्ती किए हैं ये जब्ती सूची के अनुसार उसको एफ आई आर करेंगे और उसे थाना को सपोर्ट गिरफ्तारी भी किसी हुई है क्या नहीं मेरे साथ टीम के किनके निर्देश पर हुआ सर टीम में कितने लोग शामिल थे टीम चार हम लोग से शामिल थे दो मेरे विभाग के एक मैं था और एक मेरे डी एच एम है ना विनोद कुमार सिंह और दूसरे मंजिला अधिकारी रामनगर और थाना प्रभारी रामनगर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां पिछले महीने के 17 दिनों के बकाए भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और करीब 4 घंटे तक नगर परिषद में सफाई कार्य बाधित रहा। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि एनजीओ यमा कला परिषद के जिम्मे 17 दिनों का पेमेंट बाकी रह गया है जिसको लेकर हम लोगों ने आज सफाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ईओ द्वारा कर्मियों को बकाए पैसे देने का आश्वासन दिया गया है। खबर पश्चिम चंपारण से है जहां बघा स्टेट बैंक चौराहा बघा दो रेलवे ढाला पर रेलवे से सीज ली गई जमीन पर नगर प्रशासन का बुलडोजर चलने से दुकानदारों में आक्रोश मच गया। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त कराने गई नगर प्रशासन के विरुद्ध एकजुट दुकानदार विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए और नगर प्रशासन की इस कार्रवाई में बहुत दुकानें डैमेज हो गई जिसको लेकर सभी दुकानदारों में रोष देखने को मिला। इन्फॉर्मेशन किया मेरे दुकान पर बुलडोजर चला रही है। अच्छा। हम दुकानदारों को हर साल टॉर्चर किया जाता है ये जब जब पैसा लेके हम लोग दुकानदारों को हर साल डिस्टर्ब करते हैं लोग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेलवे भी हमको नोटिस नहीं दिया है नहीं नगर परिषद हम लोग को नोटिस दिया हुआ है और बिना दुकानदार को सारे दुकानदारों को यहाँ तक एक दुकानदार को मार भी दिया है सामान भी लूट लिया लो मेरा सामान भी दुकानदारों का लूट लिया लो और बिना इन्फॉर्मेशन का लोग काम कर रहा है लोग और कुर्सियाँ रुक दे रोक दो दिखा रहा है। एक तरफ बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को लेकर नए नियम बनाने में लगी हुई है वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबार अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 16.305 मिलीलीटर विदेशी शराब की बोतलों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके बाद तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है आपका। खबर पश्चिम चंपारण बगहा से है, जहां नगर के जर्जर मोजी घाट पुल में एसडीएम और बगहा विधायक ने जेई के साथ निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में एसडीएम और विधायक द्वारा जर्जर पुल का संपूर्ण निरीक्षण हुआ। वहीं इस दौरान लोगों ने भी पुल के जर्जर होने को लेकर आए दिन हो रही समस्याओं से अवगत कराया और एसडीएम ने बताया कि विभाग के अधिकारियों से बात की गई है और पुल को सही करने का काम किया जा रहा है। अभी गन्ने का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, इसे ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है, तो उसी का निरीक्षण करने आई हूँ। और इंजीनियर्स हैं यहाँ पे और कंपनी के भी इंजीनियर हैं, तो उन्होंने अभी चेक कर लिया है। उसमें जो भी आपका जो भी शीट्स डल रहे हैं और उसको स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, बीच बीच में क्रैक्स भी हैं, उन सबको बिल्कुल अच्छी तरह से किया जाएगा। और ये फिर आया उसके पहले आचार संहिता लगने पहले ही इसका, लेकिन मैं जब चुनाव जीता उसके बाद में काफ़ी धीमी गति का बंद ही था। और जो अभी इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि पैसे के अभाव है, पैसे के अभाव नहीं था, वो उस समय बंद था। मैंने डिपार्टमेंट से बात किया कि साहब इसको जल्दी करके करवाइए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कीजिए, चाहे कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर हो। तो लगा नहीं सर, ये काम में लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। तो आज चूँकि खबर नवादा से है, जहां सामूहिक हत्या के मामले में वैश्य समाज के लोगों ने नवादा बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर नवादा में सुबह से व्यवसायिक संघ के बैनर तले लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए नवादा में दुकानों को बंद कर दिया। और वहीं इस मामले में व्यवसायिक संघ ने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया है। खबर नालंदा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नकटपुरा गांव के पास अपराध की योजना बनाने वाले 7 अंतर जिला गिरोह के 7 बदमाशों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दे, बदमाशों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, 10 मोबाइल सेट और 1 बोलेरो गाड़ी के साथ ट्रक की मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। बिहार थाना क्षेत्र में देर रात्रि सूचना मिली थी कि नगटपुरा बाईपास के पास कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर जमा हुए हैं और अपराधी घटनाओं को अंजाम देने हेतु योजना बना रहे हैं। तत्क्षण इस संबंध में टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला सूचना इकाई की भी पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मौके वारदात से 6 अपराधकर्मियों को लोडेड देसी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली
खबर सरहसा जिले से है, जहां आसमान छूती जमीन की कीमत के कारण जमीन विवाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी थानों में प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार आयोजित किया गया, जमीन विवाद सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही वाक्यों को लेकर सराही निवासी छोटेलाल तांती ने शुक्रवार को एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम छोटेलाल तांती हुआ, मेरा पिता का नाम रामजतन चंद्र तांती हुआ, मेरा जमीन में जबरदस्ती कुंडली ग्रीन उठा कर ले दिया है और 5-7 अन्य आदमी मारपीट दंगा करा है। इसके लिए हम एस पी ऑफिस में श्रीमान से न्याय मांगने के लिए हम आए हुए हैं। मेरा पास में बहुत बड़ा समस्या है, मेरा बंदी टूट गया है और मेरा पुराना जमीन खतियानी है। खबर कैमूर से है, जहां कर्म नशा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर फाटक और ओवरब्रिज की मांग बहुत पहले से की जा रही है और इसी मांग को लेकर यहां बार बार प्रदर्शन हुए हैं, जिसको लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित भी किया गया है, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके विरोध में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं और हाथ में वहां के ग्रामीणों ने ओवरब्रिज की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक के पास लगभग 2-3 घंटा प्रदर्शन किया। बीच में रेलवे लाइन पड़ता है और स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग को दिक्कत होता है, यहाँ आए दिन घटना भी होता है। तो मांग क्या है, ओवरब्रिज के लिए मांग है? हम लोग सेफ रहे। क्या नाम होगा आपका? मुगल सराय गया रेल खंड अंतर्गत करमनासा रेलवे स्टेशन है और करमनासा रेलवे स्टेशन के उत्तरी दिशा में 2-3 गांव हैं, जहां से लोग करमनासा बाजार में आवागमन है, बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, रोगी दवा के लिए आते हैं, लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए आते हैं। नाम संजय मल्होत्रा है और मैं रेलवे केंद्रीय सरकार से मांग करना चाहता हूं, रेल के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि करमनासा प्लेटफॉर्म के पूर्वी छोर पे, जहां से कई गांव का आवागमन है और नन्हे छोटे छोटे बच्चे रेलवे क्रॉस करके जाते हैं स्कूल, आए दिन ट्रेन की दुर्घटना का शिकार होते हैं हमारे छोटे छोटे छात्र छात्राएँ। मैं सरकार से, वर्तमान सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ ओवर फ्रूट ब्रिज का बनाने का कार्य किया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी, एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के
बात स्वागत है आपका। खबर सरहसा से है जहां जिला के चिनाही वार्ड नंबर 12 में 5 घरों में आग लगने से जलकर राख हो गए। आग लगने से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की क्षति हो गई। वहीं इस दौरान घर में सोए हुए 3 बच्चे भी जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और बाकी बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार को प्राथमिक उपचार के लिए दे दिया गया है। नाश्ता वास्ता के लिए चूड़ा, दाल मोट, मोमबत्ती, माटी, चीनी, प्लास्टिक, ये सब मिल गया है। बाद बाकी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इसको मर भी गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो समुचित जो है सरकारी मुआवजा दी जाएगी। घर तक प्रयास किया जाएगा अधिकतर लाभ देने के लिए। मामला रहे यहाँ घोड़ा लगल रहे, ठीक है, घोड़ा लगे के बाद लुकाय कर ले, लुकाय करने के बाद अच्छा थी घोड़ा लग गए घर में, हमारे नींद टूट ले, आवाज मार लिया रहे, लाके संपत्ति हमारे खत्म भए गए, यहाँ 10,000 के मोबाइल गले, 3 बच्चा नुकसान भए गए, अस्पताल में भर्ती छे, 1 बच्चा मर गए, मरने के बाद फिर की भले आपका पत्नी भी भर्ती है? पत्नी भी भर्ती छे, पत्नी नहीं छी, बाबो छे, बाबो छे, तकर बाद हमर मम्मी भी मर जती है रात में, ओकरा बचाई लेलिए हमें, तकर बाद हम भी मर जती है, तंग में कते घायल छी। लगभग कितना का संपत्ति आपका? 2.5 लाख के संपत्ति रे सर। लोक जन शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की खेल मैदान में आयोजित मिलन सह समारोह सभा की तैयारियों की समीक्षा बैठक लोजपा जिला अध्यक्ष विनोद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिलन सह समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण का लाभ उठाएं और साथ ही समर्थकों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील भी की है। नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह का मिलन समारोह 13/11/2022 को रखा गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। इसको लेकर हम लोग हर जगह पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक पूरे जिला में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में जुटकर और हमारे समाज सेवी नेता को मिलन समारोह में आदरणीय चिराग पासवान जी शामिल हो रहे हैं और उसी दिन 13/11/2022 को रखा गया है खेल प्रेम नगर खेल मैदान अकोढ़ी गोला में और इसी को लेकर हम लोग हर जगह मीटिंग हर जगह सभा और तैयारी जोरों शोर पे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आगमन 13/11/2022 को शाहबाद क्षेत्र के काराकाट लोकसभा डेहरी विधानसभा में अवस्थित अकोढ़ी गोला प्रखंड के अंतर्गत प्रेम नगर खेल मैदान में होने जा रहा है। उसी के समक्ष सभी जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मेरे द्वारा मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण करूंगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता को मेरे द्वारा निमंत्रण दिया गया। खबर मोतिहारी से है जहां 11 नवंबर से चंपारण संस्कृति महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय चंपारण संस्कृति महोत्सव 2022 का आगाज शनिवार को स्थानीय नगर भवन मैदान में हुआ और इस आयोजन में मंच से देश दुनिया की मशहूर कला हस्तियां अपने गायन वादन नृत्य की मनोहारी व नयन भिराम प्रस्तुतियों में श्रोताओं को संगीत की रसधार में सराबोर करेंगी। वहीं इसके पूर्व सुविख्यात गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन लय स्वर ताल से महोत्सव के सांस्कृतिक सत्र का आगाज करेंगी। कोरोना के बाद 2 साल की अवधि बीत जाने पर अब यह समय आया कि चंपारण के सांस्कृतिक इतिहास के गलियारे में पुनः कला और संस्कृति की गूंज गूंजे। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम नगर भवन के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्मान मीर साहब शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ नूतन कुमारी नूतन, राधा कृष्ण वैले और अन्य भी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें हैं। इसमें बहुत सारे कुलपति हैं, यहाँ के भी लोकल भी कलाकार हैं, उनको भी इसमें महत्व दिया जाएगा, उनका भी
कला प्रदर्शन का लाभ मिलेगा उनको भी, और स्मारिका मोचन भी होगा। और चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव, ये हमारा चंपारण का क्या संस्कृति है वो हम दिखाएंगे, वो हमारे लोग दिखाएंगे, और बाहर के लोग आ करके अभी प्रेजेंट में कितना ऊंचाई पर है उसको हमारे लोगों को दिखाएंगे, और वो लोग भी हमारी कला को देखेंगे। ये हमारे इस महोत्सव से हमारे कला का आदान प्रदान है। प्राइम बिहार में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।